आज की इस तकरीब पे जिसमें सहाफ़ी हजरात, हमारे सीनियर कॉलमिस्ट हजरात और जो हमारे शोबे सहाफ़त के जो पाइनियर्स हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने तलबा तलबात के साथ, पार्टिसिपेंट के साथ अपना वसी तजर्बा जो है वो शेयर किया। मेरे लिए एक और ख़ुशी की बात और एज़ाज़ की बात कि मेरे इलाके की पहचान, हमारे मुल्क पाकिस्तान की पहचान प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और आज की तकरीब के वो मेहमान खसूसी भी थे। तो आइए उनसे जानते हैं कि आज की वर्कशॉप के हवाले से उन्होंने भी अपने तजर्बात शेयर किए, उनका क्या तज्जिया है और आज की वर्कशॉप को वो कैसे लेते हैं हम बच्चों के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आप नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हैं और नौजवानों को पाकिस्तान की तामीर और इस्लाम की इनकलाबी रूह से रूशनास करने में कोशा हैं। ये बहुत बड़ी देखी है और मेरा दिल चाहता है कि मैं जितनी बार यहाँ आ सकूँ आऊँ और नौजवानों से सीखूँ। तो अल्लाह करे कि आपकी ये जो तहरीक है वो फले फूले और पूरे पाकिस्तान में इसकी शाखें कायम हों और यूँ पाकिस्तान का नौजवान वो कर दिखाए कि जो मेरी नस्ल के लोग करने में नाकाम रहे। सर, लिखने लिखाने वाले भी काफ़ी लोग थे, मेरा अपना तलक सहाफ़त से है, तो सर हमारे लिए आप क्या आप इसलाह करनी चाहेंगे हमारे के लिखने लिखाने वाले जो लोग हैं उनको आगे किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान की तमीर तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए? तो उसके लिए मुझे जो बहुत ज़रूरी मालूम होता है वो ये है कि बादियान पाकिस्तान, इकबाल और कायदे आज़म के सियासी तसव्वुरात जिन्हें लोग बड़ी हद तक भूल चुके हैं, उन्हें उन तसव्वुरात को आपका ये फ़र्ज बनता है कि पाकिस्तान की तामीर के खातिर उन्हें आम लोगों तक पहुँचाएँ और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल तक पहुँचाएँ कि बादियान पाकिस्तान के ख्वाबों का पाकिस्तान कैसा था और हमने उन ख्वाबों को हकीकत में कैसे बदलना। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।